हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्या कुमार एंड आज हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था, कौन से वीडियो था पिछली वाला, मौर्यन एम्पायर पे जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के मतलब के बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वो ये रहा अलेक्जेंडर का द ग्रेट का वीडियो। ठीक है, सॉरी लेट हो गया, बट थोड़ा तैयारी करने में टाइम लग गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट अल्सो नोन एज अलेक्जेंडर थ्री और अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स इन ऑल हिस्ट्री। मतलब ये है सिकंदर महान, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर थ्री, मतलब जिसे सिकंदर का थ्री भी कहा जाता था, या फिर मैसेडोनिया के सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो उसे भी जाना जाता था, पूरे इतिहास में सबसे महान सेनापतियों में से एक के रूप में वो जाना जाता था। वो सेनापति था, ठीक है, बहुत महान सेनापति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अलेक्जेंडर वाज बॉर्न इन 356 BCE इन पहला मैसेडोनिया टू किंग फिलिप टू। एज अ यंग बॉय अलेक्जेंडर वाज टॉट टू रीड राइट एंड प्ले द लायर। ही डेवलपेड अ लाइफ लॉन्ग लव ऑफ रीडिंग एंड म्यूजिक। व्हेन अलेक्जेंडर वाज अ टीनेजर हिज फादर हैज हायर्ड एरिस्टोटल टू बी हिज प्राइवेट ट्यूटर। He studied with Aristotle for 3 years and from Aristotle's teaching Alexander developed a love of science, particularly of medicine and botany. Alexander included botanist and scientist in his army to study the lands he conquered. मतलब ये है कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, BCE में हुआ था। ठीक है, पहला मैसेडोनिया में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, एक छोटे लड़के के रूप में सिकंदर को पढ़ना लिखना और वीणा बजाना बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, लायर मतलब होता है वीणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने जीवन भर पढ़ने और संगीत के प्रति प्रेम विकसित किया, मतलब वो पूरी जिंदगी जीवन भर उसे पढ़ने में और संगीत करने में बहुत मज़ा आता था। जब सिकंदर एक किशोर था तो उसके पिता ने अरस्तूत को अपने निजी ट्यूटर बनाने के लिए काम पर रखा। एक वो था ना एरिस्टोटल, मैंने आपको नाम बताया, तो उसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रखा। ठीक है, उन्होंने 3 साल तक एरिस्टोटल के साथ अध्ययन किया और अरस्तूत जो था, एरिस्टोटल जो था, तो उसके साथ की शिक्षाओं से सिकंदर ने विज्ञान, विशेष रूप से चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान के प्रति प्रेम विकसित किया। मतलब उसने सिकंदर ने विज्ञान में और विशेष रूप से चिकित्सा मतलब डॉक्टर में और वनस्पति विज्ञान में, मतलब जो होता है ना वनस्पति होता है, जितने भी जीव होते हैं फिर कहें तो बायोलॉजी में उसको बहुत ज़्यादा ध्यान गया। सिकंदर ने अपनी सेना में वनस्पतियों, वनस्पति शास्त्रियों और विज्ञान वैज्ञानिकों को शामिल किया था ताकि वह उन भूमियों को अध्ययन कर सके जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी। मतलब उसने क्या किया, कुछ वनस्पति शास्त्रियों और वैज्ञानिकों को शामिल किया था ताकि वो अपनी भूमि को, मतलब अपने लैंड को देख सके, मतलब उन भूमि को अध्ययन करे अध्ययन कर सके जिन पर उसने विजय प्राप्त किया है। ठीक है, इन 336 BCE एट एज 20 अलेक्जेंडर बिकम किंग ऑफ मैसेडोनिया व्हेन अ पॉलिटिकल राइवल असेसिनेटेड हिज फादर। अलेक्जेंडर बिगेन हिज रीजन बाय सबड्यूइंग राइवल्स इन द ग्रीक एंड मैसेडोनिया रीजन्स। एट अ काउंसिल ऑफ द लीग ऑफ कोरिंथ ही वाज चूजन एज द कमांडर ऑफ अ मिलिट्री इन्वेजन ऑफ एशिया। किंग अलेक्जेंडर बिगेन हिज इन्वेजन ऑफ द मिडिल ईस्ट इन 334 BCE। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज राइजन ऑन अ मिलिट्री कैंपेन थ्रू अ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न एशिया। ठीक है, मतलब ये है कि 336 BCE में वो जब उसकी 20 साल की उम्र हुई थी तो क्या हुआ, उसने सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना। ठीक है, जब एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने उसके पिता की हत्या कर दी, मतलब एक पॉलिटिकल राइवल था जिसने उसके पिता की हत्या कर दी, तो सिकंदर ने ग्रीक और मकदूनियों क्षेत्रों में प्रतिद्वंदियों को वश में अपने करके अपना शासन शुरू किया। मतलब जितने भी ये जो प्रतिद्वंदी थे तो उन्हें क्या किया, राइवल्स जो थे उन्हें क्या किया, अपने वश में करने लगा और अपने शासन शुरू किया। कुरिंथ की लीग की एक परिषद में उन्हें एशिया की एक सैन्य आक्रमण के कमांडर के रूप में चुना गया। ठीक है, मतलब एक परिषद में उन्हें एशिया के एक सैन्य आक्रमण के कमांडर के रूप में चुना गया
और राजा सिकंदर ने 334 BCE में मध्य पूर्व पर अपना आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने अपना अधिकांश शासन पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया के माध्यम से एक सैन्य अभियान पर बिताया। ठीक है, मतलब उसने पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया के माध्यम से एक सैन्य अभियान पर अपना काम किया। अलेक्जेंडर बिल्ट मैनी न्यू सिटीज इन लैंड्स ही कॉन्क्योर्ड इंक्लूडिंग अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ही वेंट ऑन टू कॉन्क्योर द लैंड ऑफ पर्शियन एम्पायर एस्टेब्लिशिंग मोर सिटीज एंड लाइक अलेक्जेंड्रिया ऑफ्टन नेमिंग देम आफ्टर हिमसेल्फ। ही कॉन्जक्ट कंटिन्यूड थ्रू एशिया एंटिल ही रीचेड द सोर्स ऑफ द गंगा रिवर इन इंडिया। एट दिस पॉइंट हिज आर्मी रिफ्यूज टू कंटिन्यू फर्दर इन टू इंडिया एक्सटीन एक्सटाउटेड एंड डिस्कर्ज्ड बाय हेवी रेन्स। मतलब ये है कि देखो, सिकंदर ने जिन देशों पर विजय प्राप्त किया उनमें उसने कई नए शहरों का निर्माण भी किया, जिसमें मिस्र में अलेक्जेंड्रिया भी शामिल है। उसने फारसी साम्राज्य की भूमि पर विजय प्राप्त की, ठीक है, और अधिक शहरों की स्थापना की, बहुत ज़्यादा शहरों की उसने स्थापना की और अलेक्जेंड्रिया की तरह ही की, अक्सर उनका नाम अपने नाम पर रखा। उसकी विजय एशिया में तब तक जारी रही जब तक कि वो भारत में गंगा नदी के तट पर नहीं पहुंच गया। मतलब वो जब गंगा नदी के तट पे पहुंचा तो उसकी जो पूरे एशिया पे विजय थी वो रुक गई थी, उसके पहले उसकी पूरी एशिया पे विजयता हो रही थी। ठीक है, उसकी विजय एशिया में तब तक जारी रही जब तक वो भारत में गंगा नदी के तट पर नहीं पहुंच गया। इस बिंदु पर, मतलब इस गंगा के इस पॉइंट पे, उसकी सेना ने भारी बारिश से निराश होकर भारत से में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गया जिस कारण उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉज 32 व्हेन ही डाइड इन 323 BCE। जब अलेक्जेंडर 32 साल का ही था तो भी वो उसकी मृत्यु हो गई थी 323 BCE में। ये कम ही साल जिंदा रहा लेकिन पूरे दुनिया में राज करना चाहता था और पूरे दुनिया में उसने राज भी किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते तो ड्यूरिंग हिज 13 ईयर रेजिडेंस एज द किंग ऑफ मैसेडोनिया अलेक्जेंडर क्रिएटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड स्ट्रेचिंग फ्रॉम ग्रीस टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, मैसेडोनिया के राजा के रूप में अपने 13 साल के शासनकाल के दौरान सिकंदर ने ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक पहले प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। मतलब मैसेडोनिया के राजा के रूप में होने से अपने 13 साल के शासनकाल के दौरान वो 13 साल तक अपने मैसेडोनिया का राजा रहा था। सिकंदर ने ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी, मतलब ग्रीस एक देश है, वहाँ से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट तक पहले प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का उसने निर्माण किया। बहुत बड़ा साम्राज्य उसने निर्माण किया। ठीक है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बोल दिया था कि जब वो अलेक्जेंडर जो है इधर लड़ने आया था भारत में तो उससे उसकी लड़ाई किससे हुई थी, पोरस से हुई थी, राजा पोरस से। ठीक है, जिससे कि वो बहुत बुरी तरीके से हार गया था, दोनों हार गए थे, भारत का भी पोरस हार गया था, सिकंदर भी हार गया था मैसेडोनिया का राजा। ठीक है, और उस जो युद्ध का नाम था वो युद्ध का नाम झेलम था। ठीक है, झेलम नदी के, ऐसे तो गंगा नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था लेकिन झेलम युद्ध का नाम रखा गया था। ठीक है, तो झेलम युद्ध हुआ था और ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुई थी। और ऐसे भी पहले से उसने जब आगे बढ़ा तो बारिश इसी पड़ने लगा जिसके कारण आगे नहीं बढ़ा। फिर जब अगली बार फिर आया तो राजा पोरस से उसकी लड़ाई होगी, पूरी सैन्य शक्ति के साथ वो भारत भी आ गया, बट उसने वो मतलब जो था वो भारत को नहीं जीत पाया। ठीक है, भारत से नहीं जीत सका। ओके, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग अगला वीडियो ब्रिटिश एम्पायर पर डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बस कुछ चंद घंटों का इंतजार करिए, अगली वीडियो तुरंत ही आने वाली। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के मैं टाइम लाइक जरूर पूरा कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फैला दीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए और बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय जय भारत, बाय।